सो बेसिकली माई रियल नेम इज़ लव सोलंकी तो मेरे घर वालों को रुद्राक्ष बड़ा पसंद था सो कहाँ यूज़ करूँ रुद्राक्ष तो मैंने अपने चैनल का नाम रख दिया लव रुद्राक्ष सो गैस टूडे आज मैं जिंदगी के अपने चार टर्निंग पॉइंट्स के बारे में बताना चाहूँगा जो मेरे साथ हुए एंड हाउ कम आई एम स्टैंडिंग हेयर गिविंग दिस स्पीच एंड हाउ एम एबल टू डू इट फर्स्ट पॉइंट विल बी मैं एक बहुत ही छोटे गांव से तो नहीं बोलूँगा एक अच्छे गांव से बिलोंग करता हूँ दिल्ली आया देन एट द सेम टाइम सेक्शुअल असोल्टन टू मी हाउ डिड दैट हैपन डिप्रेशन लाइक प्रॉपर डिप्रेशन जो कहते हैं एंड एट द एंड इट वॉज कैंसर सो दीज फोर पॉइंट्स आम उन्हें टॉक अबाउट आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन आई वॉज जस्ट टू एंड हाफ ईयर्स ओल्ड तो मेरे घर वाले ने मेरे को बहुत मारते थे बहुत मारते हैं इट माईट लुक बड़ा स्टुपिट सा क्यों मारते है बिकॉज आई यूज टू इट लॉट ऑफ स्टैंड ओवर देर बहुत ज्यादा मिट्टी खाता था अब क्या करे क्या करे मारेगे वैसे पिट रहो और वैसे खाऊगा तो भी मर रहा हो तो देन माई फादर्स बुआ जी फादर्स बुआ जी दादी माँ कहू उनको मैं तो दे सॉ इट एंड देर लाइक कि यार इसको तो तुम ऐसे मार दोगे तो शाइक कि मैं इसे डेली ले जाती हूँ दैट्स हाउ आई केम टू डेली एंड माई लाइफ जर्नी स्टार्टिड इट वॉज़ वैन आई केम है माई लाइफ इज़ ऑल गुड लाइक वन टू एट ईयर्स लाइक जो भी ढाई साल के बाद आठ साल तक नौ साल तक में यहाँ परफेक्ट लाइफ लाइक सब लग्जरी मिल रही है मेरे को टी वी देखने को मिल रहा है कार्टून देखने को मिल रहा है गाँव में इतना होता नहीं था उस टाइम तो वैसे भी कार्टून वगैरह बिल्कुल आते नहीं थे सो आई स्टार्टेड इन्जॉइंग माई लाइफ Now, the life is going in a like this flow. First, it was like this, then there's a down, like you know, everything is going fine, 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 fine. Suddenly, the sexual assault happened. How did that happen? I remember that memory very well. Um, I was like eight or nine years old, and uh, I never knew about this uh, thing sexual encounter or sexual activity, physical. time It's a good thing because sex education should be there, I guess, right? So I remember those words very clearly when my friend, he was 16, 17 years old, and he told me, taro," and I was like, "Hi, Q hi. S A Q, Yar, ya, meguguru." That was not my words, but I was a little scared honestly that time. and I used to play with that guy. So I remember these words, and uh, I don't know how to react to that situation that time, and uh, things happened. I will just say it, things happened. And people you know, first time, that was my first time. And uh, this kept on happening for like. ऑनेस्टली फोर फाइव ईयर्स फोर चार पाँच साल तक चलता रहा एंड फिर हुआ क्या कि मैंने अपने घर वालों को भी बताया ना इस बारे में आई विश कि आई शुड हैव बिन वोकल अबाउट इट बिकॉज होता क्या है कि योर फैमिली सम वन हु गाइड यू हु कीप्स यू ऑन द राइट ट्रैक आई विश आई वुड हैव डन दैट एंड राइट नाउ पीपल वॉचिंग इट इट माइट हैपन बिकॉज इंडिया में तो ये बहुत कॉमन है बहुत ही ज़्यादा कॉमन है तो एंड आई ऑलवेज फील दिस थिंग वाई विमेन ऑलवेज टॉक अबाउट दिस वाई आर मैन डोंट स्टैंड एंड टॉक अबाउट दिस थिंग्स इट डजेंट मेक यू नामर्द इट डजेंट मेक यू कि यार तुम तुम्हारे उनको ना एक डर रहता है कि एक धब्बा लग जाएगा एक ठप्पा लग जाएगा एंड इन फ्यूचर दिस माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम सो दिस थिंग फॉर फोर फाइव ईयर्स एंड द थर्ड थिंग वॉज नाउ आई वॉज नॉट गुड इन स्टडीज आई वॉज लाइक सुपर डाउन होता है ना बिलो एवरेज से भी डाउन होते वो वाला बच्चा था मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता थोड़ी बहुत इंग्लिश ठीक ठाक टूटी फूटी बोल लेता तो थोड़ी सी सच मीनिंग इट्स फाइन लाइक नॉट दैट मच इन टू स्टडीज़ नो नॉलेज और समथिंग सो ऑब्वियसली कंसर्न होता था फैमिली को बड़ा कंसर्न होता है जो मेरे गाँव वाले लोगों ने गाँव वाले फैमिली ने यहाँ पे भेजा हुआ होते बट कंसर्न अबाउट मी कि अभी क्या करेगा वट ही विल डू नाउ आई वॉज नॉट गेटिंग गुड मार्क्स इन टेंथ आई जस्ट हार्डली पास बहुत ही मुश्किल से हो गया पास थोड़ा बहुत ट्वेल्थ में भी अच्छे नंबर नहीं आए एंड हैव बिकम सुपर फैट अब तो फिर भी थोड़ा बहुत फिट हूँ मैं इट्स फाइन इतना भी ज्यादा फिट नहीं बट इट वॉज लाइक सुपर फैट आज लाइक वन ट्वेंटी फाइव के जीज इमेजिन फिफ्टीन सिक्सटीन ईयर्स ओल्ड लाइक वन ट्वेंटी फाइव नाओ एवरीबडी माई रिलेटिव एंड एवरीबडी वॉज लाइक कि यार अब क्या होगा इसका क्या करेगा जिंदगी में ये इससे अच्छा तो गाँव में ही सही था खेती बाड़ी तो कर लेता कम से कम यहाँ तो अब इस पर वो भी नहीं होगा बट यू नो देर इज़ वन थिंग माई फैमिली जो मेरे दिल्ली वाली फैमिली है दे ऑलवेज बिलीवड इन मी इवन आई डिड नॉट डू वेल इन स्टडीज बट दे हैड दिस बिलीव इन मी दैट वन डे ही विल डू समथिंग ग्रेट इन इज लाइफ एंड इवन आई डिड नॉट नो कि मैं क्या करूँगा ऐसा भाई कि तू ऐसे बोल रहा है देन आई रिमेंबर वन मेमरी ऑफ माइंड कि हुआ गया था कि आई ऑसू रिकॉर्ड वीडियोज फ्रॉम माई फोन नोकिया के फोन होते थे उस टाइम एंड आई ऑशू रिकॉर्ड वीडियोज फ्रॉम दैट फोन एंड आई शू स्पीक फॉर वन वन आर सो That time I realized that I want to go in this mass communication field. I want to go in the media field where I can speak, where I can work behind the camera or maybe in front of the camera. So now I will start with the YouTube career. How I started my YouTube career. I knocked at the gate of Amity University. एंड दे वर टेलिंग मास कम्युनिकेशन में मैं लिया था बी जी एम सी दे वर टेलिंग लॉड ऑफ थ्योरी नॉलेज लाइक हद से ज़्यादा थ्योरी इतने बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने पड़ते थे बाइनरी एडिटिंग ये एडिटिंग कैमरा के बारे में ऑल दट आई मीन दैट इज़ नॉट गल्प मी टू बिकम सम वन विच आई वॉन्ट टू बी सो अब होता गया है कि आई रिलाइज़ की आई नीड टू डू समथिंग बिकॉज मैं नहीं चाहता मेरे रिलेटिव जो बोलते थे ही कुछ नहीं कर सकता निकमा है वो सच हो जाए तो आई रिमेंबर मेकिंग माई फर्स्ट वीडियो रैंडमली ऑन माई फोन आई रिमेंबर रिमेबर दिट अ गर्ल वॉज वॉकिंग लाइक दिस आई मेड अ घो स्टोरी आउट ऑफ इट तो ऐसे करके मैंने स्टार्ट किया अपना यूट्यूब करियर एंड देन आई डिड नॉट नो वे टू अपलोड इट आई रिमेंबर इवन प्रोजेक्टिंग ऑन माई लाइक प्रोजेक्ट्स पे मैं वो करता था वीडियो अपनी पूरी क्लास यू टू इन्जॉय इट बिकॉज इट वॉज वेरी न्यू थिंग फॉर देम एंड अब वन डे आई रिमेंबर इट वॉज हॉलीडेज सीजन वॉज गोइंग ऑन आई हैड कॉलेज की छुट्टियाँ और मैंने देखा लिली सिंह सुपर सुपरवूमन शीजा इंस्पिरेशन आई ऑलवेज कॉल की लिली सिंह ही मेरी इंस्पिरेशन तो आई सो हर एंड लॉर्ड ऑफ़ अदर फ़ॉरेन यूट्यूबर्स देन आई रियलाइज व्हाट दे हैव विच आई डोंट हैव आई मीन आई लुक फाइन आई कैन स्पीक ओके मे बी टैलेंट विच आई डोंट हैव जस्ट के सो देन आई रियलाइज की ठीक है

and uh, you know there's one thing i forgot uh, I, have, I have been always bullied in my school and in college also because of youtube i don't want to go in school time i want to con concentrate on the college time so my are the bully or the i'm like 6 super broad looking guy that's not really possible to bully this kind of person but uh, when i started youtube i started making this a lot of uh, will not use the word vulgar content the things people want to know

ब्रॉड इंसिडेंट इन माई माइंड की हुआ गया था आई वॉज पीइंग इन माई वॉश स्कूल के सॉरी कॉलेज के वॉश रूम आई वॉज पींग एंड दे वल नाट फाइव सिक्स पीपल गैदर्ड ओव देर दे लाइक अरे ये वही बंदा है वो चूती है देखो सवाल पूछता है ना इससे पूछते हैं सवाल एंड दैट टाइम आई वॉज लिटली लाइक एंग्री मैं बहुत गुस्से में था उस टाइम एंड आई वॉज लाइक कि वॉट टू डू शुड आई लाइक लिटली हिट दैम बट देन आई रियलाइज्ड कि यार मैंने मार दूंगा एक थप्पड़ दो थप्पड़ी मेरे दस मारे पहली बात तो पाँच छः है तो कोई फायदा नहीं है दे इज नो पॉइंट ऑफ हिटिंग दैम इफ यू वॉन्ट टू प्रूव दैम प्रूव दैम विद यूर वर्क

ब्रांड ने कॉल किया दे सेट की वी वांट वीडियोस फ्रॉम यू आपको वीडियोस बनानी है बारह पंद्रह वीडियोस बनानी है पूरे साल में एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि चलो ठीक है दस हज़ार दे देंगे पंद्रह हज़ार दे देंगे दे 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 पूरे वीडियोस के दिसड ठीक है आई वाज लाइक फाइन वेंट टू शूट एंड ऑल दैट आई वॉज नॉट दैट बिजनेस माइंडेड दिसड की फाइन तो वी विल सेंड यू ट्वेंटी राइट नाउ आई एम लाइक ट्वेंटी फॉर लाइक दैन दिस की या लाइक पर वीडियो फिफ्टी थाउजेंड सीरियस

द बेस्ट पार्ट अबाउट मेरा जब कॉलेज था वो ना सब प्लेसमेंट के लिए भाग रहे थे यार मेरे को प्लेसमेंट चाहिए प्लेमेंट चाहिए आई वाज सो लकी एंड आई थैंक गॉड यार भगवान शुक्रिया कि मुझे बस प्लेसमेंट में नहीं बैठना पड़ा एंड बिकॉज आई हैड माई ओन थिंग माई ओन यू ट्यूब चैनल टू यूट्यूब चैनल्स वर्किंग फोर अदर चैन एट देशम टाइम नाउ थिंग्स फॉर फाइन नाउ देर हैज़ टू ब डाउन बिकॉज यू कै नॉट जस्ट कीप ऑन ग्रोइंग यू नीड टू गो डाउन जस्ट रियलाइज दैट ग्रो नीचे आ जाए फिर ऊपर उठना है अब uh, माई पार्टनर आई स्टार्ट यूट्यूब पार्टनर आई एम जिसके साथ मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था शी लेफ्टी एंड दैट पीरियड ऑफ टाइम वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेसिंग पीरियड इन माई एंटायर लाइफ आई स्टिल रिमेंबर मैं लिटली उठता था सुबह एंड आई विल जस्ट क्राई आई विल जस्ट क्राई आई विल लाइक कि यार ये क्यों हुआ कैसे हुआ जो भी एक्सपाइज एड रीजन कैन वी सॉट इट आउट बट थिंग्स डिड नॉट गो बिकॉज हमेशा जिंदगी आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती बिकॉज आई ऑलवेज थॉट Those people will be with me till lifelong. Those people are going to be there. You know, you just trust them so much. You just, they're your life. When they leave you, it feels miserable, which I cannot even describe. <sighs> now, this depression phase is over there. आई ऑलवेज बिलीव दट शी इज वन ऑफ द रीजन दट माई यूट्यूब चैनल इज वर्किंग शी इज़ पुटिंग लॉड ऑफ होता है क्या कि आप ना किसी पर रिलाई कर दिया द वर्ड इज रिलाई यू रिलाई दैम सो मच कि अब आपको अपनी आप ना बैक सीट ले लेते हो एंड ये मेरे साथ हुआ आई वेज थॉट कि शी इज द वन लेट हर डू द थिंग्स आई एम सिटिंग ओवर देयर एंड पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग वन शी लेफ्ट की यार इसी की वजह से तेरा चैनल चलता था इसी की वजह से तू सब कुछ था वट एवर द सब्सक्राइब गेंड बिकॉज ऑफ फर देन आई रिमेंबर दिस सेंग एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन वन शी लेफ्ट माइक आई इट लिटल टू ग टू थ्री मंथ्स ब्रेक बिकॉज आई वॉज नॉट रियली एबल टू आई वॉज नॉट एबल टू लिटली परफॉर्म ऑन कैमरा आई वॉज नॉट गेटिंग आइडियाज़ आई वॉज रनिंग आउट ऑफ आइडियाज़ पीपल आर लिटली अब्यूजिंग मी पीपल आर सेंग की कुछ नहीं कर सकता ये नहीं कर सकता बट वही बात है ना जो होता है अच्छे के लिए होता है आज ये बात आपको समझ नहीं आएगी थोड़ी टाइम बाद समझ आएगी आई वॉज दे कि ठीक है सिगरेट पीने पी ले दारू पीने पी लें बट देर शुड यू शुड सेटअप पॉइंट की यार ये बीस तारीख इस महीने की इस दिन तक तुझे जो करना है रोना है रो ले कर लेकिन आफ्टर ट्वेंटियथ यू नीड टू वेकअप यू नीड टू रियलाइज देर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव ऑफ सो मैनी पीपल वू ट्रस्टेड यू वब्सक्राइब्ड यू यू नीड टू शो दैम हु यू आर यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ इन शॉर्ट दैट्स वर आई डिड आई स्टार्टड मेकिंग बेटर कंटेंट आई स्टार्टड डूइंग रियली वेल ऑनस्टली मैं बहुत अच्छी कहानियाँ लिखने लग गया और स्टार्टिड परफॉर्मिंग आई एम गोइंग इन इवेंट्स एंड आम जस्ट नाउ कम्स द फाइनल स्टेज वैन माई आई गॉड अ कॉल एंड माई ताई जी टोल्ड मी शी इज डॉक्टर शी टोल मी योर मदर हैज़ अ कैंसर थिंग एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ हर यू आर डो यू नेवर टुक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यू ऑलवेज़ रनिंग फ्रॉम युअर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नाउ दिस इज योर टाइम यू नीड टू प्रूव टू य फैमली एट द सेम टाइम देट यू वर्थ इट यु आर वर्थ टू दैम एंड सो फ्रॉम दैट टाइम my मदर is विद मी me it's been सिक्स मंथ इज स्टिल still विद मी आई एम टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ हर बिकॉज मैं कभी मुझे याद है मम्मी जब फ़ोन पे कहती तू कभी कॉल नहीं करता साल में चार पांच बार कॉल करते कोई बात होती है तू मेरा ही बेटा है एंड ऑल दैट सो यू नो आई रियलाइज़ हाउ इंपॉर्टेंट इट्स फॉर यू टू हैव अ फैमिली लव बिकॉज जब आपके दोस्त अपनी साथ नहीं होते या फिर यू नो दोस्त छोड़ जाते हैं या दोस्त आते हैं बिकॉज एंड एंड में क्या मैटर करता है कि आपकी फैमिली हमेशा आपके साथ रहेगी ही रहेगी इवन इन द एंडबडी इज अबाउट टू डाई दे विल सेव वन थिंग अपना ध्यान रखना लिटरली दीज आर थिंग्स एंड आई एम नॉट मेकिंग अप बिकॉज ऐसा होता है दे रियली केयर फोर यू आई जस्ट वॉन्ट से इन द एंड यू नो माई लाइफ इज ऑलवेज लाइक दिस 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 एंड द ग्राफ विल एंड वेरी सून आई मीन अब तक की जर्नी सिर्फ ये थी ऐसे ग्राफ चलते रहता है हर किसी की जिंदगी में आप साथ है किसी के में ज्यादा होते हैं किसी डाउन होते हैं इट विल गो डाउन अप गो डाउन एंड इट विल एंड ऑन दिस आई विल रैप अप दिस कन्वर्सेशन बाय सेइंग नेवर बी स्टिक स्टक इन द पास्ट बिकॉज दैट्स पास्ट यू नो दैट्स पास्ट दिस इज प्रेजेंट एंड नोवर दैट्स फ्यूचर नेवर कीप ऑन लाइक की री लिविंग योर पास्ट मूव अहेड बिकॉज दिस इज लाइफ यू कैन नॉट बी स्टक इन वन पॉइंट यू नीड टू टेक स्टेप्स यू नीड टू रियली मूव ऑन And right now some situation when happens, you feel like that's what you're saying. Wait for some time. Life will come on track again because God cannot be that bad. Okay. So I'm a YouTuber, so I should wrap up the conversation by saying, please give your valuable feedback in the comment section. I will be reading personally all the comments. Like this video and share this video as much. And if you have some story to tell, please tell us in the comment section. Thank you so much guys for inviting me. अरे वाह ये वीडियो पूरी देख ली बहुत बढ़िया दोस्तों इस कोरोना काल में जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है हम में से कई ऐसे लोग होंगे जो काफी समय से जॉब ढूंढ रहे होंगे और हम में से कुछ ऐसे हैं जो इस साल या तो ग्रेजुएट होने वाले हैं या हो चुके हैं लेकिन जॉब का कुछ अता पता नहीं तो ऐसे में जरूरी है कि हम अपने रेज्यूमर से उठकर अपनी स्किल्स और अपनी काबिलियत पे जॉब पाके दिखाएं इसीलिए जोश टॉक्स लेकर आया है जोश रिक्रूटमेंट टेस्ट यानी कि जे आर टी भारत का पहला ऐसा टेस्ट है जो हमारी स्किल्स को टेस्ट करने के साथ साथ हमें पूरा फीडबैक प्रोवाइड करेगा और कट ऑफ लिस्ट में आने वाले सभी कैंडिडेट्स को गारंटीड स्लॉट मिलेगा इंडिया की टॉप कंपनीज के साथ इंटरव्यू करने का यही नहीं टॉप स्कोरर्स जीत सकते हैं जो स्किल्स आपकी तरफ से दो लाख तक के प्राइजेस तो अब बिना किसी सरदर्दी के सिर्फ जे के लिए प्रिपेयर करें और घर बैठे बैठे पाइए अपनी मन पसंदीदा जॉब तो चलिए आज ही रजिस्टर करते हैं जे के लिए और देते हैं अपने करियर को नई दिशा और जानकारी के लिए कमेंट्स में दिए हुए लिंक पे जरूर क्लिक करें